लोग क्या करते हैं, मोस्टली टूरिस्ट वीजा पर यहाँ पर पहुंचते हैं, आपको 30 दिन की जेल होगी। तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये आपका सवाल है, जिनकी उम्र 21 साल से अंदर है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वैसे यार, आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं ग्रीन कार्ड के बारे में। और लोग पूछते रहते भाई ग्रीन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ग्रीन कार्ड कैसे मिलता है, कौन सी कैटेगरीज के ग्रीन कार्ड होते हैं। इस वीडियो का सबसे मेन मकसद है कि आप लोगों को बताओ ग्रीन कार्ड कितने टाइप के होते हैं, ग्रीन कार्ड का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो कितने टाइम का होता है, और इसमें सब कैटेगरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। H1B, बहुत से लोगों के दिमाग में भी है कि यार अगर जॉब अगर वहां पर करते तो कैसे H1B के थ्रू हम लोग ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। स्टूडेंट वीजा पर अगर आप लोग आते तो कैसे ग्रीन कार्ड मिलता है। फैमिली बेस्ड पिटीशन, जो फैमिली वगैरह जो होते हैं वो लोग जब ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, ग्रीन कार्ड है क्या और कैसे दिखता है। इस वीडियो को कंटिन्यू करने के पहले, जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाए थे डेंजरस सिटी इन अमेरिका, उसके बाद बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी सेफेस्ट सिटी के ऊपर बनाओ कि स्टूडेंट्स कहां रह सकते, तो वो वीडियो इसके बाद आएगा। ये है ग्रीन कार्ड, कुछ ऐसा दिखता है ग्रीन कार्ड, और ये ग्रीन कार्ड मेरे पास भी है बिकॉज मैं हूँ एक ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिका में। अब आप लोग वीडियो का टाइटल देखकर भी समझ गए होंगे मुझे 3 महीने में ग्रीन कार्ड कैसे मिला। अब ये थोड़ी सी शॉकिंग बात रहेगी लोगों का भी, आप लोगों का दिमाग चलना शुरू हो गया रहेगा, क्या बात कर रहे हैं 3 महीने में थोड़ी ग्रीन कार्ड मिलता है। 1 मिनट थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा सबर करो। अब 3 महीने में मुझे मेरे हाथ में ग्रीन कार्ड मिला, लेकिन इसका प्रोसेस ऑलरेडी भाई मेरा 2 साल का प्रोसेस चल चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पर आया था मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड पर। मतलब मुझे जो ग्रीन कार्ड मिला है वो मिला है मैरिज बेस्ड पर। क्यों? क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो भाई यहाँ के सिटीजन है। अब अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो मुझे इतना बताना पड़ रहा है, जो हमें काफी वक्त से देखते हुए आ रहे हैं उनको हमारे बारे में पता ही नहीं पता है। हम दोनों के चैनल है जहाँ पे हम लोग प्रॉपर व्लॉगिंग करते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाके आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बात रही मेरी कि भाई मुझे ग्रीन कार्ड मिला जब मैंने मेरा 2 साल इंडिया से बैठकर, जब मैंने मेरा इमिग्रेंट वीजा मैरिज बेस पर जब प्रोसेस किया था तो पूरे 2 साल लगे थे मुझे मेरा वीजा मिलने में। और वीजा लेकर जब मैं अमेरिका में जिस दिन पहुंचा, अमेरिका पहुंचने के 3 महीने के बाद भाई मुझे मेरा हाथ में ग्रीन कार्ड मिल गया। ये हो गई भाई मैरिज बेस पर। अगर आपके सवाल है कि यार अगर मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड वो ग्रीन कार्ड होल्डर है अमेरिका में तो मुझे कितना टाइम लगने वाला है, तो उनके लिए मैं बता दूं अप्रोक्सीमेटली 12 महीने से लेकर 22 महीने तक के लग सकते हैं। और कुछ कंट्रीज तो ऐसी है जैसे मेक्सिको, फिलीपींस वगैरह हो गया भाई, वहां पे तो 36-36 महीने लग जाते हैं। उनमें से इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जिनमें कम से कम 12 से 22 महीने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 साल भी लग सकते हैं। सो ये था मैरिज बेस्ड पर। अब ये जानते कितने टाइप के ग्रीन कार्ड होते। सबसे पहला होता है फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड, इसके बारे में बात करेंगे कि यार कितनी कैटेगरी के होते हैं, इसमें कितना टाइम लगता है, कौन किसके लिए अप्लाई कर सकता है। मुझे मैसेज आते मेरा दोस्त अमेरिका में, क्या वो मेरे लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकता है। मुझे मैसेज आते हैं भाई मेरा कजिन भाई या मेरे चाचा का लड़का, मेरे फुप्पू का लड़का वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, वो अमेरिका में रहते, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, वो सिटीजन है क्या अप्लाई कर सकते हैं, कर सकती है। इन सारे सवाल का जवाब मैंने सोचा आज ही वीडियो में दे देते। ये हो गया फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड, इसके बारे में आगे बात करेंगे क्या प्रोसेसिंग टाइमिंग है, कौन किसके लिए अप्लाई कर सकता है, उसके लिए कितना टाइम लगेगा। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट H1B वीजा, जो H1B पर जो आते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। मैरिज बेस्ड स्पाउस वीजा, जो स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं ग्रीन कार्ड, जैसा मैंने बताया उसके बारे में तो ऑलरेडी बता चुका, उसका पीरियड भी मैंने बता दिया, अगर आपके स्पाउस सिटीजन है तो कितना टाइम लगेगा, ग्रीन कार्ड होल्डर है तो कितना टाइम लगेगा। और फिर एक कैटेगरी आती है भाई असाइलम, जो यार जिसका अमेरिका में फिलहाल इस वक्त इतना ट्रेंड चल रहा है, मैं तो उसको ट्रेंड ही बोलूंगा बिकॉज लोग क्या करते हैं मोस्टली टूरिस्ट वीजा पर यहाँ पर पहुंचते हैं, कि टूरिस्ट वीजा पर आकर यहाँ पर गवर्नमेंट को बता दे कि भाई हमारे साथ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हम लोग अपनी कंट्री बाहर नहीं जा सकते, रिलीजन रीजन की वजह से हम लोग हमारी कंट्री वापस नहीं जा सकते, हमें खतरा है। तो ये एक असाइलम एक कैटेगरी होती है जिसमें लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर ग्रीन कार्ड, और उसमें इंडियन भैया नंबर 2 पे, और ये भी एक कैटेगरी है, इसमें आपको ना 5 से 7 साल में भाई आपको आपका ग्रीन कार्ड मिल जाता है अगर आप लोग असाइलम के थ्रू करते हैं। तो फिर वो असाइलम के लिए वो असाइलम फाइल करना पड़ता है अमेरिका आकर, उसका एक प्रोसेस अलग है, उसके ऊपर फिर कभी हम लोग इत्मीनान से अच्छे से डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। असाइलम होता क्या, एक असाइलम भी कैटेगरी है भाई जिसके थ्रू आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। तो ये कुछ थी कैटेगरी जिसके थ्रू आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। अब सबसे पहले जानते हैं ग्रीन कार्ड होता क्या है। ग्रीन कार्ड होता है भाई आप अमेरिका के परमानेंट रेसिडेंट हो जाते हैं, PR जिसे कहते हैं। कनाडा में जाओगे तो यार कनाडा का PR तो फेमस है, PR बोलते हैं। PR है क्या? प्यार, जिसको सबसे है प्यार वो है PR, वो है ग्रीन कार्ड, परमानेंट रेसिडेंट आप हो जाते हैं अमेरिका के। वैसे ये जो ग्रीन कार्ड होता है इसकी वैलिडिटी होती है 10 साल की, कभी कभी किसी को ना 2-2 साल का ग्रीन कार्ड भी मिलता है स्टार्टिंग में। और रीजन होता है कि अगर शादी अगर आपकी हुई और आप 2 साल के अंदर ही अमेरिका पहुंच गए शादी होकर, तो फिर आपको 2 साल का मिलता है। आप जानते हैं ये ग्रीन कार्ड के बेनिफिट है क्या, क्यों लोग चाहते हैं कि उनको ग्रीन कार्ड मिले, ग्रीन कार्ड के फायदे क्या होते। सबसे पहली चीज, आप अमेरिका में सुकून से रह सकते हैं और यहाँ पर आप
काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको ग्रीन कार्ड आपके पास होता है ना, तो फिर आपको सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है, तो सोशल सिक्योरिटी के बेस पर भी आप लोग काम कर सकते हैं। मतलब ग्रीन कार्ड एक ऑलमोस्ट एक सिटीजन जैसे ही हो गया, लेकिन कुछ फर्क है उस वो वीडियो में आगे बात करेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी है इसमें जो आप जरा भी मिस मत करना वीडियो की, आधी अधूरी नहीं तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं एक नॉर्मल सिटीजन जैसा ही, अगर आपके पास पैसे तो आप लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं यहाँ पर। तीसरा बेनिफिट, आप अपना एक नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको अपना बिजनेस ओपन करना है तो आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। एक और बेनिफिट कि आप अगर ग्रीन कार्ड होल्डर है ना, आप अपने फैमिली मेंबर्स को भाई अमेरिका बुला सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो उसका कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है, कौन किसको बुला सकते हैं, वो आगे वीडियो में बात करेंगे। इसलिए मैंने बताया एक भी चीज मिस मत करना। एक ग्रीन कार्ड होल्डर की भाई वैल्यू उतनी ही होती है जितनी एक यूएस सिटीजन की होती है। कुछ चीजें हैं जो ग्रीन कार्ड होल्डर को नहीं मिलती है, लेकिन वैसे ग्रीन कार्ड होल्डर और यूएस सिटीजन में ज्यादा अंतर नहीं रहता। ग्रीन कार्ड होने का फायदा पता है क्या है कि आप लोग यार आप लोग ना बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर आपको वीजा की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और कोई कोई कंट्री ऐसी है जहां पे यार ऑन अराइवल आपको वीजा मिल जाता है। अब इनमें से अगर एक बात करूं कनाडा की, अगर आपका ग्रीन कार्ड है ना तो यार आप लोग कनाडा कभी भी उठकर जा सकते हो। ड्राइव करो कनाडा पहुंच जाओ, कनाडा से अमेरिका कभी भी आ सकते हो। ग्रीन कार्ड होता है ना आपके पास तो यार जो कंट्री के वीजा आपको मिलते नहीं है ना यूरोपियन कंट्रीज, यार उनके वीजा एकदम आसानी से मिलना शुरू हो जाते हैं। लंडन मतलब यूके, ऑस्ट्रेलिया, इनका वीजा मिलने में भी आपको बड़ी आसानी हो जाती है। ग्रीन कार्ड होने का एक और फायदा ये भी है, आपको यहाँ पर फेडरल बेनिफिट्स जो होते हैं ना वो आपको मिलते हैं, जो एक यूएस सिटीजन को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वैसे वाले। सेकंड चीज, अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, आपके पास ग्रीन कार्ड होल्डर है अगर आप, और अगर आप यहाँ पर पढ़ाई करते हैं तो फिर आपको कुछ ट्यूशन फीस वगैरह जो आपकी होती है उसमें आपको कुछ फायदा भी होता है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको असिस्टेंस मिलती है। एक चीज है, अगर आपका ग्रीन कार्ड है ना तो आपको अपना ग्रीन कार्ड 24 घंटे अगर आप घर से बाहर निकलते हैं ना, आपके पास आपका ग्रीन कार्ड होना जरूरी है। अगर कभी कुछ पूछताछ हो गई तो आप बता सकते हैं कि भाई मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर है और ग्रीन कार्ड कैरी नहीं करते तो फिर क्या होगा पता है आपको, 30 दिन की जेल होगी। सो ये सारे हो गए भाई फायदे ग्रीन कार्ड होने के। सो मोस्टली जितने भी फायदे थे मैंने आप लोगों को बताया। चले अब बात करते हैं यार कौन किसके लिए अप्लाई कर सकता है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये आपका सवाल है, आए ये जानते हैं। अब बात करते हैं यार पेरेंट्स, बहुत सारे लोग होते हैं यार जिनके बच्चे अमेरिका में रहते, वो बोलते हैं मैं चाहती हूँ कि मैं भी अमेरिका जाऊँ, या उनके डैडी बोलते हैं मुझे भी अमेरिका जाना है। तो पेरेंट्स के लिए क्या है, अगर एक यूएस सिटीजन या एक ग्रीन कार्ड होल्डर अगर अपने पेरेंट्स को अमेरिका बुलाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड दिलवाना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस है 1 से 2 साल का। 2 साल में भाई वो अमेरिका पहुंच जाएंगे, उनको उनके हाथ में ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो पेरेंट्स के लिए भाई सबसे फास्ट है मैरिज बेस्ड के बाद। अब बात करते हैं माइनर्स, जिनकी उम्र 21 साल से अंदर है और अगर उनके पेरेंट्स यूएस सिटीजन है और उनके बच्चे अगर इंडिया में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो यार वो अपने बच्चे के लिए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो बुला सकते हैं। उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी 1 से 2 साल ही है, मतलब एज कम्पेयर टू जो पेरेंट्स को जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा 21 साल से अंदर। अगर अंदर आपका बच्चा है, अगर वो वहां पर है, आप यूएस सिटीजन है, तो आप उसको बुला सकते हैं। 1 से 2 साल का प्रोसेस उनके लिए भी है माइनर्स अंडर 21। माइनर्स अगर इंडिया से है, मेक्सिको से है, चाइना से है, तो यार 2 से 5 साल भी लग सकता है ये कंट्री के लिए। अगर अनमैरिड एडल्ट है, एक यूएस सिटीजन है, उनका एक अनमैरिड भाई 21 साल के ऊपर है वो बच्चा, तो उसको लग जाएंगे पूरा प्रोसेसिंग स्टार्ट करने से लेके एंड तक का 7 से 8 साल लग जाएंगे उसको पूरा प्रोसेस होने में, वीजा मिलने में, अमेरिका आने में, ग्रीन कार्ड मिलने में। 10 साल भी लग सकते हैं अगर इंडिया है तो। और अगर अनमैरिड एडल्ट है ग्रीन कार्ड होल्डर के, मतलब अगर किसी के पेरेंट्स ग्रीन कार्ड होल्डर है, वो अपने बच्चे को बुलाना चाहते हैं, राइट, और अगर उसकी शादी नहीं हुई है, बच्चे के 21 साल के ऊपर है, तो यार वो बुला सकते हैं। फिर उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी 7 से 8 साल ही लगेंगे। पेरेंट्स अगर बुलाना चाहते हैं अपने मैरिड बच्चे को जो 21 साल से ऊपर है, तो फिर वो लंबा टाइम लगेगा, वो लगेगा 13 से 14 साल तक के लग सकते हैं, 15 साल भी लगते हैं कभी कभी। फिर वो आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, इंडिया चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, चाइना चले जाओ, मेक्सिको चले जाओ, फिलीपींस चले जाओ, इतना ही टाइम लगने वाला है, 13 से 15 साल। अब सवाल है क्या मेरा भाई मुझे बुला सकता है या मेरी बहन मुझे बुला सकती है, मेरा भाई वहां पर रहता है या मेरी बहन रहती है, क्या वो लोग मुझे बुला सकते हैं, मुझे ग्रीन कार्ड दिलवा सकते हैं? बिल्कुल दिलवा सकते हैं। उसके लिए प्रोसेसिंग टाइम पता है आपको कितना लगता है, 15 से 16 साल और 20-20 साल तक के भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अब जैसा मैंने बताया इंडिया है तो यार 15 से 20 साल भी लग सकते हैं ग्रीन कार्ड मिलने में, पूरा प्रोसेस स्टार्ट करने से लेकर वीजा मिलने तक, अमेरिका एंट्री होने के बाद, मतलब टोटल जो प्रोसेसिंग टाइम है 15 से 16 साल लग ही जाते हैं अगर कोई अपने सिबलिंग को बुलाना चाहता है तो। तो ये सारी कैटेगरीज है भाई जिसमें कोई किसी को बुला सकता है, और अगर इसमें अगर आप लोग कहीं भी फिट नहीं हो रहे हो ना, फिर अगर आपको कोई और सवाल है ना, तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप कमेंट करें, आप कमेंट करेंगे, मैं कमेंट पढ़ूंगा, जब भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ मैं वीडियो बना देता हूँ।
ये वीडियो भी कमेंट पढ़ने के बाद ही मेरे दिमाग में आई कि नहीं यार, इसके बारे में लोगों को जानना है और उनको बताना जरूरी है कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना इम्पोर्टेंट है। अगर इंडिया में होता तो मैं भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा होता और मैं सोच रहा होता कि यार काश रियान जैसा कोई यूट्यूबर होता जो मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन देता। खैर, यही सारी चीज़ें दिमाग में रखकर मैंने ये चैनल भी शुरू किया था और यही एक वजह है कि मैंने आज ये वीडियो भी बनाया था कि आपके जो सवाल आते हैं आपको सही आंसर मिले, कुछ पता चले। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ लो, ताकि अगर मुझे पता है तो मैं रिप्लाई भी कर दूंगा या फिर डायरेक्टली जैसा मैंने बताया वीडियो ही बना देंगे। और अमेरिका के बारे में और जानना है, मेरा एक और चैनल है, रेयान सैयद करके चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कनीस का एक चैनल है कि यार औरतों की लाइफ यहाँ पर है कैसी, फीमेल की एक लाइफ कैसी अमेरिका में, ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो उसके चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, रिक्वेस्ट है आप लोग जाकर देख सकते हैं। एक कैटेगरी छूट गई है भाई, H1B। H1B का क्या होता है ना यार, H1B वीजा में ये होता है कि यार आप लोग को जब H1B वीजा लेकर आते हैं ना तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 6 साल तक काम करते हो H1B वीजा पर, फिर या तो आपको आपकी कंट्री रिटर्न जाना पड़ता है या आप अपने लिए अप्लाई नहीं करते हो, आपकी कंपनी आपके लिए अप्लाई कर सकती है। तो H1B में यही है कि आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी जो कंपनी होती है वो आपके लिए अप्लाई करती है कि भाई इसके जैसा हुनरमंद इंसान, इसके जैसा हुनरमंद शख्स हमें हमारी कंपनी में इसकी जरूरत है, तो हमें ना इसके लिए पिटीशन फाइल करना है, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी के साथ ना हमेशा के लिए काम करे और 5-10 साल काम करे, 20 साल काम करे, तो यार हम लोग ना इसके लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिर कंपनी आपके लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई करती है, बोलती है हमें ये बंदा चाहिए, इसका काम बड़ा जबरदस्त है, चले इसके लिए हम पेपर फाइल करते हैं। फिर वो लोग प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसका टाइम पता है क्या है, उसका 18 महीने से लेकर 10-10, 12-12, 15-15 साल भी लग जाते हैं। और इंडियन की जो कैटेगरीज है भाई, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो यार कब H1B, मतलब मैं क्या ही इसका प्रोसेसिंग टाइम बताऊँ आपको कि कब आपको आपका ग्रीन कार्ड मिलेगा। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसमें बताया भी था, तो लोग तो थोड़ा सा चकरा गए थे क्योंकि यार इसमें इतना लंबा टाइम लगता है, इतना ज़्यादा टाइम लगता है, किसी किसी को तो जल्दी भी मिल जाता है, किसी किसी को तो यार जिंदगी खत्म हो जाती है वो ग्रीन कार्ड हाथ लगे तक। तो ये एक सच्चाई है, कमेंट करना H1B वालों, आपकी जो फीलिंग है आप लोग कमेंट कर सकते। ये था ग्रीन कार्ड, ये थे ग्रीन कार्ड के फायदे, ये था उसका प्रोसेसिंग टाइम, ये थी उसकी कैटेगरीज, सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है, बता दिया है मैंने अभी आपको। कोई चीज अगर आपका सवाल है तो फिर मैंने जैसा बताया कमेंट, इतना बड़ा सा हर भर के कमेंट करना, जरूर नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे उन टॉपिक्स पर। तो चले इस वीडियो को इतना ही रखते हैं यार, जैसा कि हम हर बार कहते हैं 1 मिनट नया वाला चैनल जाकर चेक करो, प्यारे प्यारे जबरदस्त वाले व्लॉग्स आपको वहां देखने के लिए मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन तो यहां पर तो है ही। चले इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, जैसा कि हम हर बार कहते हैं, तब तक के गाइज स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। अब बोल के रियान भाई ग्रीन कार्ड मिलने के बाद हम हैप्पी होंगे, तो मिलेगा, सही तरीके से प्रोसेस करो, एजेंट से बचो। थैंक यू।